ये ओनर कुछ कुछ रजनीकांत जैसे नहीं दिखते। टाइल्स है ना वो बहुत ही ओल्ड हो गए, लाइक 10-11 साल पुराना कंस्ट्रक्शन है। तो फ्लोरिंग मतलब टाइल्स चेंज करने से बेटर है कि कारपेट लगवा लो, 6-7 साल कुछ नहीं होता है ना। बहुत ही मुश्किल है यार, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कारपेट चूज़ करने में। सांगली में 2-3 शॉप्स मैंने देखे, ज़्यादा किसी के पास वैरायटी नहीं है। तरुणबारा स्टेडियम के यहाँ पे कोल्हापुर रेक्सिन करके है, हाँ राइट, तो यहाँ पे आना अगर किसी को परचेस करना है कारपेट वगैरह। अच्छे रेट में 3-4 क्वालिटी के मटेरियल के साथ आपको वैरायटी देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे फाइनली बहुत कंफ्यूजन हुआ, बट मैंने 2 कारपेट फाइनल कर दिए, एक बेडरूम के लिए और एक बाकी 2 एक बेडरूम और किचन एक हॉल के लिए। फाइनली शॉपिंग डन। कितना दर्द कर रहा है तो? ये हो गया 10 बरस से ऊपर। 10 बरस से? गांव कौन सा तेरा? मेरा उत्तर प्रदेश। 10 साल हो गए इधर ही है तू? नहीं आता जाता रहता। इधर अभी फैमिली है अकेला रहता? मैं फैमिली है सब। दोस्तों कारपेट चिपकाने का काम चालू हो गया है, किचन का एक रूम हो गया है और कुछ इस तरह से लग रहा ही है। बढ़िया फिनिशिंग आ रहा है। ये जो मैंने मटेरियल जो लिया है वो लिया है 0.65 mm थिकनेस वाला है ना, इससे ज़्यादा भी होता है, इससे कम वाला भी आता है, बट ये मीडियम रेंज वाला है। सबका लाइफ उतना ही रहता है, बस जितना ज़्यादा आप मतलब जितना थिक आप लोगे मटेरियल वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, 1-2 साल ज़्यादा चलेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। कारपेट खरीदते टाइम पे ये ध्यान रखना कि एक मीडियम क्वालिटी वाला या अपने बजट के हिसाब से कोई भी चूज़ कर लेना, वैसे भी 5-7 साल का उसका वो लाइफ रहता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप उसको किस तरह से मेंटेन करते हो। इसमें मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बस आपको कोई चीज़ लाइक टिपॉय हो या कुछ भी हो तो आप ऐसे घसीट कर लेके नहीं जा सकते, सिर्फ उठा के आपको रखना पड़ता है ना, बस उतना प्रिकॉशन होता है, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी फिर कम पैसे में अगर आपको फ्लोरिंग का काम करना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। टाइल्स वगैरह लगाने में वो बहुत पैसा जाता है, तो इससे बेटर है कि कारपेट लगा लो। बात खत्म। Hey guys, what's up?
वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और अनदर क्लिप। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लिप में देख लिया होगा कि वेडिंग की तैयारियाँ मेरी चालू हो चुकी है। सो अभी राइट नाउ टुडे इज 17th ऑफ नवंबर एंड अप्रॉक्स कुछ 25-26 दिन बचे हैं मेरी शादी में अभी, और दूल्हे की शेरवानी ही नहीं तैयार है बताओ तो। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं हम मेरी शेरवानी देखने, शेरवानी के लिए कपड़ा देखने, क्योंकि रेडीमेड मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मुझे सिंपल सोबर चाहिए और एक स्पेसिफिक एक दो कलर्स रिक्वायरमेंट है, वो मुझे कपड़ा मिल नहीं रहा है। अब कैसे नहीं मिल रहा तो ढूंढेंगे, देखेंगे कहाँ मिलता है। 2-3 शॉप्स देखे हैं तो शेरवानी का कपड़ा फाइनल होगा, बाकी छोटे मोटे काम वैसे ही चले रहे हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मेरे घर का थोड़ा बहुत रिनोवेशन चल रहा था, तो पेंटिंग फर्नीचर, तो ये रूम का जो काम है वो अभी कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ हाउ द रूम इज़ लुकिंग। ये टेम्पररी है, अभी ये जाएगा, ये सब शादी में जो देना है वो सब भर के रखा हुआ है। एंड यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक प्रॉपर वैनिटी बनेगी, देखते कैसे बनेगी क्या। ये बेड अभी रिसेंटली आया है नया, दिस इज़ हाइड्रोलिक बेड एंड इट लुक्स रियली गुड एंड द कलर इज़ मैचिंग विद द फर्नीचर कलर एज वेल। ऐसे थोड़े थोड़े बहुत काम घर पे चल रहे थे तो इस वजह से ना कैसे टाइम निकल जाता है समझ में नहीं आता पूरा दिन। और स्पेशली जब घर पे काम होता है, वर्कर लोग होते हैं तो सामने खड़े रह के काम करवाना पड़ता है ना, तो उस चक्कर में काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं आए और बहुत कुछ चल रहा था। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं शेरवानी का कपड़ा चूज़ करने मेरे लिए। शादी में ऑलमोस्ट आज 17 नवंबर है, वेनसडे आई गेस, और ऑफिस का मेरा लॉगिन भी चल रहा था, ऑफिस का लॉगिन भी चल रहा है। और साथ ही साथ ये साइड बाय साइड बीच में जैसे टाइम मिलता है आफ्टरनून में, मैं जाके कुछ ना कुछ काम ख़त्म कर लेता हूँ। चलते हैं, डैड मेरा नीचे वेट कर रहे हैं। रेडीमेड होते हैं उसका कपड़ा डिज़ाइन मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मुझे चाहिए सिंपल सोबर काइंड ऑफ जोधपुरी डिज़ाइन। उसका जो मटेरियल है वो मुझे 2-3 जगह पे नहीं मिला, अब एक जगह से कॉल करके इंक्वायरी किया है वहाँ पे है। तो फाइनली मैं और डैड जा रहे हैं और देखेंगे, और आज शेरवानी का कपड़ा जो है वो फाइनल होगा। उसका जो मटेरियल है वो मुझे 2-3 जगह पे नहीं मिला, अब एक जगह से कॉल करके इंक्वायरी किया है वहाँ पे है। तो चलते हैं, लेट्स सी। पहला दुकान देख लिया, शेरवानी का कपड़ा नहीं है। ये ओनर कुछ कुछ रजनीकांत जैसे नहीं दिखते? अंदर उन्होंने रजनीकांत जी का फोटो भी लगा के रखा है। सांगली में 2 दिन से बारिश हो रही है और उस चक्कर में क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड हो रखा है, दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना पसीना आता है घर से बाहर निकलते से ही। पापा की कार जो है सेन, उसका इंजन का कुछ काम निकला है, और वो लास्ट टाइम हम जब कोल्हापुर लेके गए थे तब बंद हो गई थी, तो हमने वहीं पे किसी मैकेनिक के पास छोड़ के आ गए थे, तो वो अभी शायद हो रही है। तो कार नहीं है घर पे तो इसलिए बाइक से घूमना पड़ता है। अभी दूसरी शॉप में जा रहे हैं, देखेंगे वहाँ पे अगर शेरवानी का कपड़ा मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला तो फिर कहीं और ढूंढना पड़ेगा। सिंपल डिज़ाइन है बट नहीं मिलता, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जग्गा मुग्गा वो चकमक वाला वो वैसा सब अपने को नहीं जमता है, मेरे को नहीं चाहिए वैसा। एक और मेरा जो शादी का ड्रेस है जो मैं पूजा में पहनने वाला हूँ सुबह, वो मैंने पूना में दिया है स्टिच करने के लिए, तो वो शायद रेडी हो गया है। अभी नेक्स्ट वीकेंड में जब पूना जाऊँगा तब वहाँ से उठाऊँगा, अभी फिर पहन के देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे होगा तो स्टिच फिर से करवाना पड़ेगा। सो ये सब है, चल रहा है। एंड द ओवरऑल प्रोसेस इज लेंदी एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट आई एम एंजॉइंग इट।
जैसा कलर में चाहिए मेरे को, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर का मटेरियल मिल गया, बट उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी अलग से, यार बहुत नखरे है। बसेस का अभी तक स्ट्राइक चल रहा है, पापा जा रहे हैं अभी कोल्हापुर, शेरवानी का कपड़ा नहीं मिला, एक दो मिला है बट जैसा चाहिए वैसा नहीं है, तो अब फिर एक आध दिन डिले हो जाएगा, वो शॉप ओनर फिर कोई वैरायटी हो तो भेजेगा, दैट्स हाउ इट इज़, टफ लाइफ। पापा को छोड़ने आया था बस स्टैंड पे, और यहाँ पे बसेस का स्ट्राइक है, और बसेस छोड़ के प्राइवेट गाड़ियाँ देखो, ऐसा लगता है प्राइवेट गाड़ियों ने बस को हाईजैक कर लिया, बस स्टैंड को। तो शेरवानी के मटेरियल की तलाश अभी तक जारी है, नहीं मिला अभी तक, एंड आई एम एक्चुअली गेटिंग पिस्ड राइट नाउ, बिकॉज सिंपल सा डिज़ाइन है बट वही नहीं मिल रहा, तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, बट ठीक है मिल जाएगा। टिल द टाइम हमारे वेडिंग कार्ड प्रिंट होके आ चुके हैं, तो थोड़ा सा वो भी स्नीक पीक देख लो आप। सैंपल आए, अभी एक्चुअल प्रिंटिंग होगा। मैंने लास्ट हेयर कट कब कराया था मुझे अब याद नहीं है, आई गेस 2-2.5 महीने पहले किया था। अभी बाल देखो इतने खतरनाक बढ़ गए, मतलब हाथ से बाहर जाने लगे। बालों की बात आती है तो बालों का एक्सपर्ट कौन, मनोज भाई। मनोज भाई को कॉल करेंगे, अभी जाके हेयर कट करेंगे, लेट्स सी। मिलिए मनोज भाई से फिर से एक बार, हेयर कट करेंगे। थोड़ा सा ग्रूम मनोज भाई चमका दिया आपने। तो चलो गाइज आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल, वेडिंग स्टोरीज तो कंटिन्यू होती रहेंगी हर ब्लॉग में, तो कमेंट करके बताओ आप लोग बोर हो रहे हो क्या, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास और कुछ बाहर जाके करने के लिए है नहीं, आई बी ट्रैवलिंग टू पुणे, तो ट्रैवल ब्लॉग भी आएंगे, स्टिक टू द चैनल, आप लोग अपना ख्याल रखिए, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।